ऐसा व्यू और ऐसा मौसम, इस मौसम में और ऐसे व्यू में आपका क्या खाने को दिल कर रहा है? वही जो आप खाना चाहते हो ना, वही दिखाने वाले आपको। आपको हम दिखाने वाले हैं पंजाब के नंबर वन पकौड़े, हाईएस्ट सेलिंग। तो आप सोचो अभी तक ये पकौड़े कौन से हैं, तो जगह कौन सी है और फटाफट करते हैं। एक ब्रेड बढ़िया भाई जी, 324 नंबर। हां जी, खाने पैक करने हैं, पैक करने हैं। ऑर्डर नंबर 325, 325 नंबर। मेरे हाथ में जो प्लेट है ना, इसको बोलते हैं मिक्स पकौड़े। ये आलू फ्राइज, इनको हम बोलते हैं मेथी और गोभी के। ये तो हर शहर में मिलते हैं, आपके शहर में भी ऑफ कोर्स मिलते ही होंगे। जो मेरे हाथ में ये प्लेट है ना, ये शायद ही आपके यहाँ मिलते होंगे। ये है चीज़ कॉर्न बॉल, ये यहाँ की स्पेशलिटी है और जो कहीं और मिलती है चीज़ टिक्का। एंड दिस इज द चीज़ टिक्की, आपको अगर दिख रहा हो। एंड ये है नीचे ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड हल्का चीज़ होता है इसमें, चीज़ ब्रेड पकौड़ा। और ये स्पेशल चटनी, सज्जनों जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो घड़ी आ गई है और वो होने जा रही है। आप सर प्लीज़ प्लेट पकड़ें और हर हम आपको दिखाएंगे अब मैजिक। भाई है वो मैजिक जिसकी हम बात कर रहे हैं और हम यहाँ तक आए हैं जिसके लिए हम 20 किलोमीटर दूर आए हैं गाइस, सिर्फ ये मैजिक इसके लिए। और ये मैजिक हमसे संभल नहीं रहा, मैजिक ज़्यादा भाई यार, कितना सही लग रहा है यार। ये देखो दोनों पे चटनियाँ लग चुकी है, आप देख लो चटनी भी स्पेशल है इनकी। मतलब टेस्ट स्मूथ चीजी पकौड़ा ऐसा हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप ये लगा लो इस टाइम ना, इसका स्वाद ऐसा है कि आप डोमिनोज का ना लार्ज साइज चीज बर्स्ट पिज्जा खा रहे हो, वैसा चीजी फ्लेवर है। ये चीज स्टिक, पनीर टिक्का भी बोल सकते हो, पर ये फ्राइड है और ये सरसों के तेल में फ्राइड है। और इसके क्रम्स देखो ऊपर कितने सही लगे हुए हैं। ये पनीर है, इसमें पुल तो नहीं आएगा जो कार्तिक ने किया, बट मज़ा बहुत है इसमें भी। ये दो बाइट अगेन तैयार, पनीर का पीस है ना जो बहुत मोटा है, काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा पनीर डाला हुआ बीच में। पहले आप खाओगे। तो ये है हमारा वो पनीर, ये है मेरा वो प्यार गोभी जो बिछड़ चुका था साथ में और दोबारा यहाँ मिल गया हमें। और इनकी जो चटनी है ना, हर जगह दो तरह की चटनी मिलती है, एक लाल और एक हरी। नॉर्मली एक मीठी होती है एक खट्टी, पर इनकी एक ही चटनी है वो खट्टी मीठी है। जो यहाँ की फेमस चीज़ है ना, और जो मतलब जिस चीज़ को और रियल बनाती है, वो इनकी चटनी है। ऐसी चटनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इट हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर, इट हैज़ डिफरेंट किक, बड़ी टैंगीनेस सी है इसमें और एक अच्छी स्वीट सी टैंगीनेस है। व्यू भी तो मैटर करता है, शहर से बाहर ऐसे व्यू के लिए हम आते हैं शांति में के लिए। एंड दिस इज़ द टिक्की, मुझे इसके लिए बहुत देर से चुल मच रही थी। ये है झंझनाहट, झंझनाहट हो रही थी। सो हियर इज द बाइट, लेट्स गो। और एक हमारे जो दिल्ली वाले भाई देख रहे हैं वो तरस रहे होंगे कि यार हमें भी ऐसे व्यू में पकौड़े खाने हैं। कैसी है टिक्की? ऐसी टिक्की गाइस कहीं नहीं आपको और मिलेगी, कहीं भी नहीं। मैं भी ट्राई करता हूँ। ये चीज़ आपको खाने पे ही पता चलेगी कि है क्या, और टिक्की वाले भी ये चीज़ नहीं बना सकते जो उन्होंने बनाई। टिक्की का स्वाद ना हल्का हल्का दाल कबाब के जैसा है, जैसे हम दाल कबाब खाते हैं ना, बहुत सॉफ्ट है। और ये हमारे पास है पिल्लो पकौड़ा, ये थोड़ा पिल्लो जैसा लग रहा है। और जिस टाइम पकौड़े लिए ना, मैं इसको कहा, मैं कह यार ज़्यादा ले लिए दोनों खा नहीं पाएंगे, पर अब लग रहा है मैंने कम ले लिए, ज़्यादा लेने चाहिए थे हमें। इसके अंदर भी भर भर के पनीर है, आप देख सकते हो बहुत शानदार तरीके से बाहर क्रम्स लगे हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रिटी पकौड़ा लग रहा है इस वक्त। पनीर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इसमें, ओवरलोडेड पनीर है। आप ये लगा लो आप एक तरीके से पनीर भुर्जी रोल खा रहे हो। हाँ। पूरा जैसा exactly. भुर्जी में होता ना एग्जैक्टली exactly. इसके अंदर ना पनीर भुर्जी जैसे ग्रेट करके पनीर ग्रेट कद्दूकस करके पनीर भरा हुआ है। और वो बहुत मज़ेदार है यार। हाँ। और ये है इनका ब्रेड टिक्की, और इसका प्राइस ना पकौड़ों का हम वीडियो के एंड में मेंशन कर देंगे, एक क्लिप आएगा वहाँ पे सारा रेट लिस्ट मेंशनड है। और इनके पास जितनी वैरायटी है ना गाइस, उसमें से हमने अभी आधी भी नहीं दिखाई आपको, बहुत सारी वैरायटी कवर कर पाए हैं, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी।
अकेले आप कभी मत आना, जो ये जगह है ना ये या तो फैमिली के साथ आओ या फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये जगह अच्छे से ना पकौड़े लेकर व्यू के साथ इंजॉय करने वाली है। और अगर आप खिलाने वाले हो तो इन्हें ले आना। और शॉप भी अराउंड 50 ईयर्स पुरानी है यार, 50 साल से ऐसा स्वाद मिल रहा है, मज़ा आ गया यार। ब्रेड रहेगी हमारी, ब्रेड ब्रेड रहेगी, राइट, ब्रेड करते हैं। ओह बहुत सॉफ्ट है ब्रेड, हमने ब्रेड को अंडर एस्टिमेट किया कि लास्ट में खाएंगे, वही यूजुअल ब्रेड होगी, बट मस्त है, कुछ अलग है, मसाले अच्छे भरे हुए हैं इसमें। पे हम खड़े हैं ना, वो मशहूर जगह बिल्कुल ठीक मेरे पीछे है, और ये लुधियाना मलेरकोटला हाईवे है, बिल्कुल कैंट ब्रिज है उसके पास हम खड़े हैं, और जगह का नाम है कैंट पुल के मशहूर पकौड़े। एक ऐसी ही जगह पे हमने पहले भी बहुत पहले वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, वो भी अगर आप देखना चाहते हो ये पकौड़ों के बाद कोई और पकौड़े भी देखना चाहते हो तो वो वीडियो एंड में डाल देंगे, हो जाएगी आपको, वो भी ज़रूर देखना और कैसी लगी उस पर कमेंट करके बताना। टिल देन टेक केयर गाइस, ओके बाय, टाटा।